हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों को ना मैं एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करके दिखाऊंगा, और मतलब ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करूंगा जिसमें कि आपको अगर ब्लॉगिंग का शौक है, अगर आप ब्लॉगिंग का शौक रखते हैं, ब्लॉगिंग करनी है आपको, चीज़ों को शूट करना है मार्केट में, ट्रैवल का या जो भी आप शूट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग पर्पज़ से, कोई अच्छा अगर आप ट्राईपोड देख रहे हैं अपने लिए, तो ये ट्राईपोड है जो मैंने मंगाया है। अभी हुआ है, मैंने खोल के वैसे इसको देख चुका हूँ, बट मैं इसको ऐसे पूरा एक्सपीरियंस के लिए वापस से खोल के आपको दिखाऊंगा। इसका मैं साइड में वीडियो चला दूंगा, जैसे जब इसका अनबॉक्सिंग किया मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, वैसे वो आपको दिखा दूंगा। पर अभी यहाँ पे इसको देख के आपको मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने मंगाई है इसके अंदर। और फिर उसके बाद में आप बहुत ही अच्छा ब्लॉग इसे शूट कर सकते हैं, स्टेबल रहेगा, फोन स्ट्रेक नहीं करेगा, और उसके बाद आप इसमें बहुत अच्छे से अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में लगे। ओके, इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और इसके अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं आप सभी के सामने। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसी क्वालिटी है इसके अंदर, किस अमाउंट का है, सारी चीज़ें फिर आपको लास्ट में बता दूंगा। जिसको अगर लेना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप फिर चेक कर सकते हैं इसका प्राइस, एंड देन अगर आपको लगे सूटेबल कि आपके लिए है तो आप इसको ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये मैंने बॉक्स इसको निकाल दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है इसका नाम है, ये फ्लेक्सिबल ब्लॉगिंग ट्राइपॉड है ये, ठीक है। और इस ब्रांड का नाम है जो हमने मंगाया है, यंग रैली करके कुछ ऐसा ही ब्रांड है जिसको हमने मंगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप मोबाइल के साथ अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, खास करके जो पर्पज़ है इसको मंगाने का, कि मोबाइल ब्लॉगर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल डिवाइस है, मोबाइल ब्लॉगर्स इसी को यूज़ में लेते हैं, ये इस तरीके से आपको दिखने वाला है। और मोबाइल ब्लॉगर्स फिर इससे अपने ब्लॉग को बहुत अच्छे से शूट करते हैं, ठीक है। हालांकि कैमरा को भी आप इस पर हॉल्ड कर सकते हो, कैमरा से भी इसको शूट कर सकते हैं, बट हम इसको मोबाइल के लिए मंगाया है, मोबाइल को ही यूज़ करेंगे इसको। तो ये आप देख सकते हैं क्वालिटी, इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको हम वापस से खोल सकते हैं, अंदर ये रख दिया। नाउ यू कैन सी दैट तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं कि ये हमने मंगा लिया है, इसमें हमें किस तरह की क्वालिटी मिल रही है, एकदम गोरिल्ला ट्राइपॉड है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इनको हम चाहें तो ऐसे 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 फोड़ सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको छोटा कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इसको बड़ा ही यूज़ करना है, इसको सीधा करो, ओके, यहाँ पर रख के ऐसे इसको यूज़ कर, ठीक है, बहुत ही काम आने वाला है आपके। ये तो हो गया इसको स्टैंड करने का, कि इसको रख के अगर वीडियो बनाना है तो आपको बहुत काम आएगा। उसके अलावा आप क्या करेंगे, अगर आप हमें इसके ऊपर कैमरा को माउंट करना हो, व्लॉग बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ बेसिकली आप ये जो देख रहे हैं इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है माउंट करने के लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके इसको निकाल दूँगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये एडजस्टेबल है, यहाँ पे ये इसका स्क्रू, इसको आप आगे पीछे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, ठीक है, अपने डिवाइस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर टाइट कर सकते हैं। और मैं इसको ऐसे खींच के आगे कर दूँगा, यहाँ पर आप देखिए इसको सीधा कर दूँगा। अब ये यहाँ पर मोबाइल को होल्ड करने के लिए रेडी है। अब मोबाइल को इसमें होल्ड कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये मेरा फ़ोन है, और मैं इस फ़ोन को इसके ऊपर सेट करके दिखाऊँगा। ये मैं इस फ़ोन को यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने अपना फ़ोन इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर सेट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब अगर आपको इस पर एडिशनल और क्या ऐड करना है, अगर आप फ़ोन का कैमरा यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, ब्लॉग करते हैं हम, ब्लॉग के टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर एक अलग से शॉटगन माइक आता है जो इसके इस हिस्से पर आप माउंट कर सकते हैं, इस हिस्से पर आप उस माइक को लगाएंगे, उसके बाद इसको कैमरा से कॉल पर अटैच करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में आपको इस तरीके से आपका सेटअप बन जाएगा, इस तरीके से आपकी ब्लॉगिंग फ्रेंड बन जाएगी आराम से। आप इसको कहीं पे भी रख के वीडियो बनाएंगे तो ऐसे इसको रख के होल्ड करके ऐसे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, कि आपको बहुत काम लगेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऐसे बनाते हैं वीडियो को, अगर ऐसे आप रखते हैं इसको, तो आप ऐसे साथ में ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे साइड घुमा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से अडजस्ट करना है, मैं थोड़ा ऐसे करके रखूँगा इसको, थोड़ा इस तरीके से। तो मैं थोड़ा कैमरा वगैरह इसका स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको,
स्टार्ट हो गया हमारा कैमरा है, इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बार बस ही दे रहे हैं इसे और ये आराम से प्रॉपर तरीके से शूट कर रहा है। यहाँ पर मैं जिस फोन से बना रहा हूँ उसको भी शूट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, और जितने भी सामान हमारे पास यहाँ पर रखे हैं उन सभी को। ये तो मैंने सामने का ले लिया शूट इसमें, उसके अलावा अब मैं क्या करता हूँ अपने फ्रंट का भी ले लेता हूँ, फ्रंट का शूट भी करके देख लेता हूँ। ये मैंने फ्रंट का भी स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्टेबल है, काफ़ी अच्छे से स्टेबल कर रहा, होल्ड कर रहा है इसको, ठीक है, चारों तरफ से होल्ड कर रहा है इसको, ये हम देख सकते हैं। और इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेंस को यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लिए काम करने वाला है। ओके सो गाइस, अभी आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको मंगा सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आपको पसंद आया कि नहीं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैं अपने काम में इसको लेने वाला हूँ, तो मैंने अपने लिए इसको मंगा तो लिया और मैं इसको यूज करूँगा। बाकी मुझे ये ठीक लगा, मैं इसके रिव्यू पहले भी देख लिए और देन उसके बाद भी मैंने इसको मंगाया। ओके, और कुछ अगर आपको जानना हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा वहाँ पर। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और आपको मेरा फीडबैक चाहिए कि मैं इसको यूज़ करूँगा तो यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, अभी तो अनबॉक्सिंग करके दिखाई मैंने खाली आपको, अभी और यूज़ करता हूँ तो इससे मेरा फीडबैक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा निकल के, जो मैं आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको दे, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको नए नए ब्लॉग्स एंड दूसरी चीज़ें भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलती रहेंगी, ऐसे कुछ टैकी डिवाइस होते हैं ये भी मैं ब्लॉग में अपने में बनाता रहूँगा तो आपको पोस्ट करता रहूँगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, फिर शेयर कर देना जिनको ब्लॉगिंग करनी हो, उनको ये किट अगर लेनी हो तो उनके हिसाब से ये एडजस्टेबल होगी, उनको काम भी लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ माय सेल्फ।